मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है उसको देखकर आपको खुद से पता चल गया होगा कि मैं कहां पर मौजूद हूं। सोशल मीडिया पर काफी महीनों से यहां पर जो है वो चर्चा चल रही है और जो सोशल मीडिया पर जो लोग हैं वो भरपूर तरीके से यहां पर इस टूर्नामेंट का इंतजार कर रहे हैं, इसको फॉलो कर रहे हैं और आज जो है ये रनर अप प्रोग्राम जो शुरू हो चुका है। आलमी खिलाड़ी जो है उन्होंने भी यहाँ पर जो है वो मैसेजेस दिए हैं जिसमें शादाब खान है, मोहम्मद नवाज है, सरफराज अहमद है, मोहम्मद हफीज जैसे खिलाड़ियों ने भी इस टूर्नामेंट को फॉलो किया है, उनकी बेस्ट विशेष हमारे पास पहुंच चुकी है। तो इस वक्त हमारे प्यारे भाई जिनका ताल्लुक तो मियां वाली से है लेकिन पूरे पाकिस्तान में जो इन्होंने इवेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए का एक जाल जो है वो बिछाया हुआ है, जो ऐलान किया हुआ है जिसकी एक जिंदा मिसाल जो है सबसे पहला इवेंट जो है गिलगित बल्तिस्तान में करवाया गया। सो हम ये जानते हैं कि यहाँ पर मूसा खैर प्रीमियर लीग जो है वो आज शुरू हुई है, अभी पहला मैच जो है चल रहा है। तो खावर भाई भी यहाँ पर तशरीफ लाए हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि उनका जो है ये प्लान उससे मैं तो बाकी हूँ लेकिन आप लोगों के साथ जो है हम शेयर करना चाहेंगे कि कितने एंथुसियाज्म हैं वो, कितने एनर्जेटिक हैं ये इस बात का भी मुझे पता है लेकिन मैं उनसे यहाँ पर आप लोगों के लिए बातचीत में करना चाहता हूँ। खबर भाई पहले तो आपको आप भी यहाँ पर आए हैं, आप हमारे मेहमान भी हैं, आप हमारे मेहमान भी हैं, तो ये जो मुसाफिर भी रही है क्या समझते हैं कि इसमें ये जो दूसरा एडिशन है इसमें कामयाबी भाई जवेद साहब का शुक्रिया, तमाम ग्राउंड का शुक्रिया, टीम का शुक्रिया। अब जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है तो अभी भी ये मेरे एक्सपेक्टेशन के मुताबिक जिसको कहते हैं कि ये 25-30% ये अभी शो है, मेरा ख्वाब कुछ और है और इंशाल्लाह ख्वाब पूरा करने के लिए आपको टाइम चाहिए होता है, आपको टाइम लगता है जनरल तरीके से ऊपर आने के लिए और एक दिन इंशाल्लाह ये अपने तमाम तर रिकॉर्ड ये भी इंशाल्लाह मेरी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान लेवल के ऊपर ये तोड़ देगी और इसके जो इवेंट और यहाँ के जो प्लेयर्स हैं मेरा ख्वाब मेरा मकसद सिर्फ ये है कि मियांवाली का टैलेंट और मियांवाली के लड़कों के अंदर कॉन्फिडेंस इतना है कि वो भी ओपन प्लेयर्स के तौर पे बाहर खेले, तैमूर मिर्ज़ा की तरह, ज़हीर तालिब की तरह, शादाब खान की तरह। तो ये बेसिकली एक उस मकसद के लिए, उस काविश के लिए, क्योंकि टैलेंट इतना ज़्यादा है कि मैं जब आता था और आता हूँ तो देख के दिल में भी होता है कि लड़कों को बाहर निकलना चाहिए। तो अब ये इस तरह का माहौल और अच्छे ऑर्गेनाइज जिस तरीके से हाजी जमीन साहब कर रहे हैं, कामरान शकील मलक अरशद साहब कर रहे हैं, तो ये लड़कों के लिए बहुत अच्छे हैं और अहले इलाके के लिए बहुत अच्छे हैं। तो हमारा सिर्फ मकसद ये है कि मोहब्बत बांटना है, खेल हमने यहाँ प्रमोट जरूर करना है। अब इसके अंदर कोई मकसद कोई और नहीं है, ना कोई सियासी है, ना कोई ब्रांडिंग है, ना कोई और पर्सनल गोल है। अब जिनको कोई प्रॉब्लम है तो अल्लाह उनकी प्रॉब्लम दूर करे। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए सोसाइटी कंट्रीब्यूटर, पॉजिटिव सोच की वजह से आपको तो पता ही सारी चीज़ों का कि हमने गिलगित के अंदर ये लीग करवाई है सिर्फ इसलिए कि गिलगित के लोग जो आज तक किसी ने गिलगित के प्लेयर नॉर्दर्न का सुना ही नहीं, कोई आए ही नहीं, तो कम से कम वो भी आए और वो हमारी वजह से अगर थोड़ा सा कहने के लिए उनके भी इलाके में क्रिकेट का पैगाम दिया है, लोगों ने देखा है, तो उनका फायदा है। मियांवाली का भी यही कॉन्सेप्ट है, कल को ये इंशाल्लाह सिंध में भी जाएगा, बलोचिस्तान में भी जाएगा, हमारे कैलेंडर ये सेट है। टाइम की जैसे जैसे किसी बनती जाएगी वो हम कोई ना कोई सरप्राइज लोगों को देते रहेंगे, सारे सरप्राइजेस भी हम लोगों को एडवांस नहीं बताएंगे। तो कहने का मकसद ये है कि वो दही इलाके
जहाँ पे लोग जाना पसंद नहीं करते, जहाँ पे लोग खेलना पसंद नहीं करते, वहाँ हम जाएंगे आपसे पकड़ लेंगे। जिसके पीछे कोई मकसद ना हो पैसे कमाने का या कोई सियासी या कोई इज्तमाही या कोई पर्सनल, तो वो फिर आपको इस सूरत में और इस सवाल की सूरत में नजर आता है। बहुत बड़ी बड़ी मतदान।